दोस्तों क्या बीसीसीआई आईपीएल से सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाती है? दोस्तों क्या ये बीसीसीआई का एक बहाना है कि हम आईपीएल से नए खिलाड़ियों को चुनते हैं टीम इंडिया के लिए? या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आईपीएल सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए खेला जाता है? या फिर शायद ये भी हो सकता है कि क्या बीसीसीआई को खुद आईपीएल पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है? दोस्तों मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं क्रिको आकाश, और मैंने जो अभी अभी आपसे कहा वो बिल्कुल सच है। क्योंकि अगर आपको भी ये लगता है कि आईपीएल से वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में सिलेक्शन होने वाला है तो आप गलत हैं। क्योंकि बीसीसीआई से खबर आ रही है कि शायद बीसीसीआई को खुद आईपीएल पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। हम वही आईपीएल की बात कर रहे हैं जो आईपीएल अभी चल रहा है, जिसे खुद बीसीसीआई होस्ट करती है, और उसी आईपीएल से वर्ल्ड कप के लिए बहुत ज्यादा सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और अब आप ये मानकर चलिए कि टीम इंडिया में आईपीएल से कोई भी नया प्लेयर नहीं आने वाला है, क्योंकि ये बड़े सारे लोग सोच रहे थे कि आईपीएल के परफॉर्मेंस के हिसाब से टीम इंडिया के लिए बड़े सारे खिलाड़ियों का सिलेक्शन हो जाएगा, पर आप गलत हैं। बड़े सारे एक्सपर्ट्स का कहना था कि आईपीएल के परफॉर्मेंस के हिसाब से रियान पराग आ जाएंगे, संजू सैमसन आ जाएंगे, अभिषेक शर्मा आ जाएंगे या फिर मयंक यादव आ जाएंगे, जो आईपीएल में लगातार कमाल की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इन्हें वर्ल्ड कप में जगह मिल जाएगी। तो आप बहुत बहुत गलत हैं, क्योंकि बीसीसीआई की तरफ से जो खबर आ रही है वो कहती है कि बीसीसीआई का साफ तौर पर कहना है कि हम कोई भी नए खिलाड़ी को एंट्री नहीं करेंगे, और वो वही पुराने खिलाड़ियों को मौका देंगे जो पहले से इंडिया टीम के लिए खेलते आ रहे हैं। दोस्तों बीसीसीआई ने अभी भी केएल राहुल को अपने टॉप प्लेयर्स में रखा है, और ये काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि काफी लोग ये मान कर रखे थे कि शायद संजू सैमसन को विकेट कीपर के तौर पर मौका मिल सकता है टी20 वर्ल्ड कप में, जो कि अभी आईपीएल के लीडिंग स्कोरर्स में से एक है। पर ऐसा नहीं होने वाला है, बीसीसीआई संजू सैमसन को नहीं लेने वाली है। पर आप सोच रहे थे कि बॉलर्स में भी आईपीएल के बेस पे बीसीसीआई सिलेक्ट करे, तो आप गलत हैं, क्योंकि बीसीसीआई अपने उन्हीं खिलाड़ियों को लेकर जाएगी जिनसे वो पहले गेंदबाजी करवाया करती थी, जिसमें जसप्रीत बुमराह थे, अर्शदीप सिंह थे, मोहम्मद सिराज थे, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा जैसे बॉलर थे। आप साफ देख सकते हैं कि बॉलिंग लाइनअप में भी कोई एक्सपेरिमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है बीसीसीआई की तरफ से। शायद हो सकता है कि एक दो गेंदबाज जो है वो नए जाए, बाकी मोटा मोटे मिलाकर चले तो पुराने ही गेंदबाज को बीसीसीआई ज्यादा प्रेफर दे रही है। तो शायद इन सब से ये मानकर चलिए कि सिलेक्टर्स का भरोसा पुरानी टीमों पर ज्यादा है नई टीमों से, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वो पुराने वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस को देखकर सिलेक्शन कर रहे हैं। बड़े सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा हो कि अगर कोई नए खिलाड़ी नहीं जा रहे हैं तो टीम इंडिया की टीम क्या होने वाली है। हम आपको ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो पुराने टीम थी इंडिया टीम की, वही टीम इस बार के वर्ल्ड कप में जाने वाली है। यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, ऋषभ पंत, इंकू सिंह, रविंद्र जडेजा, संदीप सिराज, बुमराह और साथ साथ केएल राहुल, शायद ये वो टीम है जो कि वर्ल्ड कप के लिए जाने वाली है। अब देख सकते हैं बाकी एक भी नए प्लेयर का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो यहीं से मेरे मन में ये सवाल खड़ा हो रहा है कि अगर बीसीसीआई को आईपीएल से सिलेक्शन नहीं करना है तो आखिरकार आईपीएल को इतना वैल्यू क्यों दिया जाता है? क्योंकि इस आईपीएल में कई खिलाड़ी ऐसे थे जो कि कमाल की परफॉर्मेंस कर रहे थे, जैसे अभिषेक शर्मा, रियान पराग हो गए, गेंदबाजों में आप संदीप शर्मा को ले सकते थे। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको पुराने वाले टीम को ही ले जाना था तो आपने ये सभी को क्यों बोल रखा है कि हम आईपीएल से भी टीम इंडिया के लिए सिलेक्शन करते हैं, साथ साथ ऑलराउंडर्स भी वही है, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल। तो क्या बीसीसीआई सिर्फ आईपीएल को पैसे के लिए खिलवाती है या फिर हम सबके इंटरटेनमेंट के लिए? क्योंकि ये सवाल तो उठना बनता है। इन सब के ऊपर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।